मैं हूं आपके साथ जहां आदिल शाद खान और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार विधानसभा खतौली के सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी और बूथ प्रभारियों की बैठक हुई। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अफवान अख्तर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी खतौली विधानसभा के प्रभारी विनय पाल प्रमुख ने सभी 36 सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारियों की आवश्यक बैठक ली, जिसमें सभी सेक्टर प्रभारी को अपने बूथ प्रभारियों के साथ मिलकर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के आदेश दिए, जिसके प्रत्येक सप्ताह सेक्टर प्रभारी और बूथ कमेटी को साथ लेकर अपने क्षेत्र के सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठक करेंगे। उस संबंध में हर महीने के दूसरे शनिवार को प्रभारी फिर विधानसभा अध्यक्ष और प्रवेशक बूथ कमेटी की समीक्षा करेंगे। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल बच्ची सैनी ने कहा कि खतौली विधानसभा के सभी सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी बड़ी मजबूती से अपने बूथ प्रभारियों और बूथ कमेटी को लेकर चलेंगे और चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम बूथ कमेटी करेगी। समीक्षा बैठक में वरिष्ठ सपा नेता इमरान सिद्दीकी, इरशाद गुज्जर, विधानसभा अध्यक्ष सत्यदेव शर्मा, नगर अध्यक्ष इरशाद जाट, इमरान अंसारी, जिला पंचायत सदस्य, जिला सचिव हाजी इकबाल, जानसठ नगर अध्यक्ष तन्नू कुरैशी, अभिषेक गोयल, अनिल धारीवाल, इरशाद मोनी, पंकज सैनी, टीटू वालिया, जावेद सोल्जर, इकराम अंसारी, सुनील सानी, काजी फसी अख्तर, आफाक खान, विभू शर्मा, आबिद कसार, नैन सिंह, मोहित सोम राजा, रवि गुज्जर, शाहनीब कुरैशी आदि उपस्थित रहे। जी आपका नाम? मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा खतौली, जिला मुजफ्फरनगर से। आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, किस विषय में हुआ? आज विनय पाल जी और मैं श्यामलाल बच्ची सैनी और खतौली विधानसभा की जो सेक्टर प्रभारी हैं, आज उनकी मीटिंग हो रही है। जो खतौली निवासी और विधानसभा खतौली क्षेत्र के जिम्मेदार और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, जो सेक्टरों में खतौली विधानसभा को विभाजित किया है और जिसको 10 बूथ पर एक प्रभारी बनाया गया है। 348 बूथ खतौली विधानसभा में हैं, जिसके 36 प्रभारी बनाए गए हैं। 36 प्रभारियों में यहाँ पर 31 प्रभारी उपस्थित हैं और विनय पाल पूर्व प्रमुख और विधानसभा प्रभारी जी आज बूथ कमेटी की प्रभारियों की समीक्षा कर रहे हैं, उनका निरीक्षण हो रहा है, उनका सत्यापन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी खतौली विधानसभा से चुनाव जीत के जाए, ताकि जो बूथ पे मजबूत होगा वही समाजवादी पार्टी को जिताने का और लोकदल के गठबंधन के जिताने का प्रयास करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बूथ मजबूत हो, यूथ मजबूत हो, तभी गठबंधन का प्रत्याशी खतौली विधानसभा से जीतेगा। इसी पर विनयपाल प्रमुख जी परीक्षण कर रहे हैं। नाम? विनयपाल, पूर्व प्रमुख। विनयपाल जी, एक समीक्षा बैठक का और प्रभारी विधानसभा खतौली, एक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ है, किस विषय में हुआ? ये हमारे जो पूरी विधानसभा को हमने, जो हमारे 3 बूथ हैं टोटल, उनका 10 बूथ का एक हमने सेक्टर बनाया है। तो हमारे 36 सेक्टर बने हैं, उस पर हमारा एक प्रभारी है सेक्टर पर, एक सह प्रभारी है। और प्रत्येक बूथ की हमारी अलग कमेटी है, जिसकी बूथ कमेटी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके साथ में 8 लोग और, टोटल 10 लोग एक बूथ पर काम करते हैं। तो जहाँ जहाँ कहीं कमी आया, सत्यापन है, सेक्टरों का सत्यापन, बूथ कमेटियों का सत्यापन, और आगे अब सेक्टर की अलग अलग मीटिंग होगी, उसी परिप्रेक्ष्य में कहीं दुरुस्ती, कहीं कमी है, कहीं नए आदमी, पुराने आदमी सब जोड़ करके, ताकि समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में खतौली विधानसभा जीत कर जाए, हर बूथ को जीत कर जाए।